आज हम डिफरेंशियल का लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब देखो लेक्चर नंबर 3 में पहली प्रॉब्लम है हमारी कि हमें डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो लेट वाई इक्वल टू 1 अपॉन अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका है कि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन आ गया आपका डी बाई डी एक्स, इसको एक मिनट के लिए एक्स मान, दिस इज 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब हमें डिफरेंशिएशन करना है अनरूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको एक्स मान। ये पहला मेथड, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन 2 अनरूट एक्स। अब किसका करना है भाई? हमें अनरूट के अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव करना। तो यह आ गया माइनस 1 अपॉन 2। नाउ दिस इज पावर 1 एंड दिस इज पावर हाफ, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये इसका डेरिवेटिव आ गया आपका। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड समझिए, सपोज हमें 1/x का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे इसको? ये है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पावर आ गए और ऊपर एक पावर कम, ये हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब करना मुझे किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो देखो ये वैल्यू आपकी आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, हम इस तरह से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा डिफरेंशिएट लॉग अनरूट ऑफ, सॉरी अनरूट के अंदर लॉग, अनरूट लॉग बेस ही होगा भाई, कुछ भी नहीं कीमत है, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, लेट वाई इक्वल अनरूट ऑफ लॉग बेस ही है साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा रूट का, रूट का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 2 रूट, जो भी अंदर है लॉग बेस ही साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। 1/2 अनरूट ऑफ लॉग बेस ही साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब लॉग का हो गया, अब किसका डेरिवेटिव करना है हमें? साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, 1 अपॉन 2 लॉग अनरूट लॉग
बेस ही है साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन। अब देखो कोस अपॉन साइन हो गया कोट, तो ये हो गया कोट एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन अपॉन टू अनरूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन बेसिक, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स बाय थ्री, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स कोट एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन अनरूट ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ये इस तरह से इसका हमने डेरिवेटिव निकाल, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थ्री, डिफरेंसेस। ये बोल रहा है कि इफ वाई इक्वल टू लॉग बेस ही है अनरूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, देन प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ये हमें प्रूव करना है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। देखते हैं बेटा, y इक्वल टू लॉग बेस ही अनरूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। भाई अनरूट लिखा हुआ है मतलब पावर हाफ, तो मैंने इसको लिख दिया वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स की पावर हाफ। लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ लॉग बेस ही वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन। अब ये आ गया लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, हाफ तो मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा लॉग का, तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड। अब अंदर का डेरिवेटिव करो, वन का डेरिवेटिव जीरो एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोस एक्स। भाई पहले हमने लॉग का डेरिवेटिव किया, तो लॉग का हो गया वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, अब हम अंदर का डेरिवेटिव करेंगे वन का जीरो और साइन एक्स का कोस एक्स प्लस माइनस, फिर लॉग का क्या वन माइनस साइन एक्स, वन का जीरो और माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो यह आ गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हाफ कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हाफ वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस साइन एक्स। ये अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस में, कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स से कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू हाफ टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हाफ से टू ये कैंसिल, कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो हमारा ये प्रूव हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इस तरह से इसका डेरिवेटिव सेक एक्स के इक्वल हो, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर, लेक्चर नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर फोर, लेक्चर नंबर थ्री।
देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएट log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x प्लस log x टू द बेस x प्लस log 10 टू द बेस 10 विथ रेस्पेक्ट टू x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट, तो कैसे करेंगे समझो। लेट y इक्वल टू log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x प्लस log x टू द बेस x प्लस log 10 टू द बेस 10। अब देखो यहां पर y इक्वल टू log x टू द बेस 10, तो इसका मैं बेस e कर रहा हूं, log x टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e, दोनों का बेस e कर दिया। इधर भी ऐसे करेंगे log 10 टू द बेस c अपॉन log x टू द बेस c। ये बेटा दोनों सेम है इसलिए 1 और ये भी 1। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए किस तरह से करेंगे, d by dx। यहां पर log 10 टू द बेस c कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज 1 अपॉन log 10 टू द बेस c। तो यहां पर मुझे करना है dy dx ऑफ log x टू द बेस c प्लस फिर ऊपर log 10 टू द बेस c कांस्टेंट है, तो यहां करना है मुझे dy dx ऑफ 1 अपॉन log x, और ये 0 और ये 0। अब देखो log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 1 by x log 10 टू द बेस log e 10 टू द बेस c, ये तो कांस्टेंट है। log 10 टू द बेस c कांस्टेंट है, अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं 1 अपॉन log x का, तो मैंने क्या बोला था, हमारा मेथड क्या है, हम इसको x मान लें, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन log x टू द बेस c का होल स्क्वायर, और d by dx हो, अब हमें करना है log x टू द बेस c। ये हमने इसको x माना, तो 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव करना, तो ये आ गया dy by dx 1 by x log 10 to the base c minus log 10 to the base c upon log x to the base c का होल स्क्वायर, और बेटा log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो ये x में लग जाता है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहां पर हमारी log की प्रॉपर्टी यूज में आई है, किस तरह से हम जिसका डिफरेंट बेस होता है e के अलावा उसको हमें चेंज करना है, इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, Then prove that dy by dx equal to e की power x upon 1 minus e की power x under root of 1 minus e की power 2x। ये इसको हमें derivative करना है, इसको हमें derivative करना है। अब इसको derivative करना है तो किस तरह से करेंगे ये समझिए। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग और डिफरेंशिएट मत करिए, टेकिंग log both sides बेस e पर लेना भाई log, तो log y टू द बेस e इक्वल टू log 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x की पावर क्या हो गया, 1 बाय 2 हो गया, क्योंकि हमने इसको रूट है तो पावर हाफ। अब log की प्रॉपर्टी जितनी लगा सकते हो वो लगा दीजिए, 1 बाय 2 आ गया log e 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, हमने ये log की प्रॉपर्टी लगा दी, हमें
हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई हमारी, तो क्या हो गया, लॉग वाई टू द बेस सी इक्वल टू हाफ लॉग वन प्लस ई की पावर एच टू द बेस सी माइनस लॉग वन माइनस ई की पावर एच टू द बेस सी। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का डेरिवेटिव वन बाय वाई, y का डेरिवेटिव dy by dx 1 by 2। सबसे पहले हम log का डेरिवेटिव करेंगे। log का डेरिवेटिव अभी बताया था 1 upon 1 plus e की पावर x 1 upon x। अब अंदर जाओ, 1 का 0 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 upon 1 minus e की पावर x, 1 का 0 minus e की पावर x का minus e की पावर x। देखो e की पावर x कॉमन ले, तो ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस e की 1 अपॉन e की पावर x कॉमन ले चुके तो 1 माइनस 1 e की पावर x, टेक एलसीएम। तो एलसीएम आ गया e की पावर x बाय 2 1 प्लस e की पावर x 1 माइनस e की पावर x। तो ये एलसीएम इधर ही आ गया, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, dy by dx 1 by y dy by dx equal to e की पावर x by 2 multiplied by 2 1 plus e की पावर x 1 minus e की पावर x, 2 से 2 कैंसिल, y को उधर ले, dy by dx equal to e की पावर x 1 plus e की पावर x 1 minus e की पावर x multiplied by। अब यहाँ मैं y की वैल्यू रखूँ, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x 1 माइनस e की पावर x। देखो ये नहीं y की वैल्यू, अनरूट अलग अलग लिख देना बस, तो अनरूट 1 प्लस e की पावर x अपॉन अनरूट 1 माइनस e की पावर x। अब देखो ये अनरूट में है और ये फुल पावर है, तो ये आपका कैंसिल होके यहाँ अनरूट लग जाएगा, तो dy by dx आ गया आपका e की पावर x अनरूट 1 प्लस e की पावर x 1 माइनस e की पावर x और अनरूट 1 माइनस e की पावर x। ये भी अनरूट में है, ये भी अनरूट में, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा लास्ट जो आपको प्रूव करना था, अनरूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखो अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, वो सब आपकी जनरल प्रॉब्लम थी जिसमें अभी तक एक सिंगल फंक्शन आ रहा था। अभी तक आपके पास दो फंक्शन नहीं आया, अपॉन में कुछ नहीं आया, इस तरह की अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो अभी हम बताएंगे आपको प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला डी बाय डी एक्स, तब मैं तीन फंक्शन ले रहा हूँ यू वी डब्ल्यू, ये हमारा तीन फंक्शन आ गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो जब कोई भी तीन फंक्शन चार फंक्शन पांच फंक्शन इस तरह के प्रोडक्ट में होते हैं तो एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन होगा। अब हमने ये चूज किया कि पहले यू का करना है, तो ये दोनों एंटिटीज लेंगे वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस, वैसे किसी का भी कर सकते हैं लेकिन सबकी बारी आएगी। अब सब मुझे v का करना है तो मैं u w को एक साथ लिखूंगा dv by dx, और सपोज अब w का करना है तो u v dw by dx। इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल यूज में है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला डिफरेंशिएट e की पावर ax cos bx plus c विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो देखो हमने इसको y के बराबर मान लो क्योंकि किसी के इक्वल नहीं है। अब ये दो फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx
सपोज मुझे इसका करना है, तो मैं cos bx plus c को एग्जिटिव रखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस, अब e की पावर x को एग्जिटिव रखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos bx plus c। अब देखिए e की पावर ax का डेरिवेटिव, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर होता तो मैं ये लिख दिया e की पावर ax, और ax का डेरिवेटिव a, तो ये a आगे लिख दिया, बाकी ये लिख दिया। अब देखिए e की पावर ax से जी डी हमारा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, अभी cos का ही हुआ अंदर का ही हुआ, अब बोलो बी एक्स का बी सी का तो जीरो, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया e की पावर ax कॉमन ले लीजिए a cos बी एक्स प्लस सी माइनस डी साइन बी एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, ये हमारा प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू अब देखिए क्वेश्चन रूल क्या है। सपोज अपॉन में आ गया फंक्शन u अपॉन v और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा ये समझिए, फॉर्मूला देख लीजिए, जो अपॉन में है उसका स्क्वायर, इसको एजिटिव ऐसा नहीं किसी को भी एजिटिव, इसको एजिटिव, पहले आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, अब न्यूमरेटर एजिटिव डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एजिटिव ऐसा नहीं किसी कोई भी एजिटिव, डिनोमिनेटर एजिटिव, न्यूमरेटर का डिफरेंस माइनस न्यूमरेटर एजिटिव डिनोमिनेटर का डिफरेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x अपॉन 7x प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x, हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, वो लेट y इक्वल 3 माइनस 4x अपॉन 7x प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, क्या बोला था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा इस तरह से हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम डिफरेंशियल कर लेते हैं, 3 माइनस 4x, यदि मैं इसके डिफरेंशियल की बात करूं तो 3 का तो डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x का माइनस 4, तो ये डेरिवेटिव कुछ इस तरह का बना 7x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव माइनस 4, 3 माइनस 4x और इसका डेरिवेटिव 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया माइनस 28x माइनस 20 माइनस 21 प्लस 28x अपॉन 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 41 अपॉन 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन रूल इस तरह से हो गया।